काशीपुर पुलिस ने बीते 5 दिन पूर्व फिरोजपुर से सटे हेमपुर डिपो के जंगल में मिली महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में संलिप्त मृतका के पति और उसकी बड़ी बहन को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि काशीपुर के फिरोजपुर से सटे हेमपुर डिपो के जंगल में बीती 24 मई की शाम एक 19 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त सुनैना के रूप में हुई। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनैना की मौत गला घोटने के कारण होना पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान घटना वाले दिन फिरोजपुर गांव के एक लड़के ने बंटी और मृतका सुनैना को सरकारी नल पर पानी पीते देखा था। वहां से पुलिस को हत्या के खुलासे को लेकर अहम सुराग हाथ लगे हैं। दूसरी तरफ हत्या के खुलासे को लेकर पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से काफी अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस टीमों को मिले अहम सुराग के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति और बड़ी बहन बबीता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। घटना का खुलासा करते हुए एएसपी ने बताया, दिनांक 24/5/20 को शाम लगभग 7 बजे ग्राम प्रधान फिरोजपुर का फोन हमारे थाने पर आया था कि एक लड़की जो है उसकी डेड बॉडी जंगल में पड़ी है। सूचना पर पुलिस हमारी गई, उसके बाद प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या की गई। उस पर हमारी इस हत्याकांड के खुलासे के लिए 4 टीमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी हमारे द्वारा। सबसे पहले तो हमारी टीम ने उसकी शिनाख्त की। शिनाख्त करने के लिए खतरामपुर, मालधन और काशीपुर के आसपास सभी जगहों पर जो गुमशुदा लोग थे उनके बारे में जांच की गई। इसमें हमारे जो एक टीम को इनपुट मिला कि मालगोदाम के पास एक लड़की थी जो अभी मिल नहीं रही, उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमारी टीम के द्वारा उसके हस्बैंड और उसके रिश्तेदारों को खोज निकाला गया। उसके जो ससुर थे उसने शिनाख्त की थी। बाद में जब उनके बयानों में आपस में विरोधाभास आया उसके पति के और इस मृतका के बड़ी बहन के, तो उसके बाद हमने इनकी सीसीटीवी फुटेज पूरे रूट की खंगाली। तो हमें जो है सीसीटीवी फुटेज से और मौके पे फिरोजपुर गांव में एक लड़के ने इनको देखा था पानी पीते हुए, उसके द्वारा भी चश्मदीद साक्ष्य दी गई। इन साक्ष्यों के आधार पर ये दोनों लोग हमने अरेस्ट किए हैं। इसमें मुख्य अभियुक्त बंटी यादव है, जिसके द्वारा वहाँ लड़की की हत्या की गई थी। इसकी प्लानिंग बनाने में और साक्ष्यों को छुपाने में बबीता जो मृतका की बड़ी बहन है वो इन्वॉल्व रही है। क्योंकि इनके आपस में रिलेशन रहे हैं इसलिए दोनों ने मिल करके ये प्लानिंग बनाई थी। क्योंकि वो लड़की मृतका सुनैना जो थी वो अनसाउंड थी और उसको लेकर के ये दोनों परेशान थे। पति भी परेशान था, उसकी बड़ी बहन भी परेशान थी क्योंकि वो इनके साथ ही रहती थी, तो उसके बारे में कई सारी बातें निकल करके आती थी। पति भी इसी वजह से परेशान था, तो इसलिए इन्होंने प्लान बनाया।